फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें जो है इसका वेटेज भी 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या एक्चुअल में, ब्रांच है ये, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं आपका स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो अपने आप होते हैं, है ना, अपन को एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं देना पड़ता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट करते हैं। एक तो ये, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका इलेक्ट्रिसिटी की यूज करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज में ला सकते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा। तो विद द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से, दोनों की स्टडी आप किसमें करते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल, इन दोनों के लिए पर्टिकुलर एक एपरेटस यूज होता है, या मैं बोलूँ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जिसे आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है वहां पे हम क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो आपकी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसकी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर एपरेटस में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम किस काम में लेते हैं, वर्क, जो भी आपका वर्क है उसके हम काम में लेते हैं। तो ये आपका किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल आप सेल जनरेट करता है, वहीं पे इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है मेरा, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल चीज है कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनिशिएट करवाते हैं। ये दोनों ही जस्ट देखो आप अपोजिट है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने आप केमिकल रिएक्शन हो रहा है और मेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्लियर हुई बात ये। और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम वर्क के लिए यूज दे रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा अपन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है आपका, सिंपल देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो डेली लाइफ से रिलेटेड आप जितने एग्जांपल्स देखते हो काफी सारे वो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस का भी हम एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे आप अपोजिट वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी भी मेरी बैटरीज होती हैं, आपने अगर याद देखा हो आपकी जितनी भी बैटरीज होती हैं, कौन सी बैटरीज, मैं आपसे बोलूँ अगर इन्वर्टर की बैटरी, आपने देखा होगा इन्वर्टर में बोलते हैं वाटर डालते हैं, इन्वर्टर में वो केमिकल होता है, वहां से हम क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और यूज करते हैं। सेम चीज आपने देखा होगा कि आपकी बैटरी जो होती है ऑटोमोबाइल में बैटरी यूज होती है, और वहां से आप क्या करते हो, हम उसको यूज करते हैं, लाइट जलती है आपकी जो इलेक्ट्रिकल करंट, आपका ऑटो स्टार्ट, और उससे हम उसको वर्क में यूज लेते हैं, तो मैं बोल दूंगा आपका ऑटोमोबाइल बैटरी, ठीक है। ये जितनी भी आपकी बैटरी होती है ये आपकी क्या एग्जाम्पल है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कब होता है, जितने भी मेरे रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके एक्सट्रक्शन के लिए, उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आपको पता है कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं एस ब्लॉक के, जैसे मेरा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो ये रिएक्टिव होते हैं, तो ये क्या फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, आपके ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं, तो इस वजह से इनको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल इसका ये होता है, आपने कई बार देखा हो इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना, इम्प्योर मेटल को हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी जो ज्वेलरी वाले की दुकान पे देखा होगा तो वहां देखते हैं आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कि जैसे पुराना मेरा कॉपर का कोई है उसको नया कर देते, कभी देखा है आपने, बेनिफिट है। एक तो ये मोर एफिशियंट होता है, और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि लेस पॉल्यूटिंग होता है। आप खुद देख लो कि जो आपकी ईवी व्हीकल, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आने लगे आपके, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में पेट्रोल कहाँ सर डालते, और जबकि आपका वो बैटरी से ही रन होती है, उसका एप्लीकेशन यही है। तो ये दो बेनिफिट है, इस वजह से ये जो ब्रांच है इसका बहुत ही ग्रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। इस ब्रांच इज ग्रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बहुत डिटेल में। ये एक तो आपका जो क्योंकि यहाँ पे बैटरी आप देखोगे जिससे हम क्या जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको अपने वर्क के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो वो मोर एफिशिएंट है, और इसमें लेस पॉल्यूशन भी होता है। तो इस फर्दर चैप्टर के जो है आपके 4 पार्ट हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे फेमस एग्जांपल क्या होता है,
एग्जाम्पल जो सबसे फेमस है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, दैट इज डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है, होता किस तरह का है, तो वहां पे आपके क्या होते हैं, दो हाफ सेल प्रेजेंट होते हैं, और तो दो आपके, एक तरह से मैं कहता हूँ, वेसल प्रेजेंट होते हैं, दो कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में कनेक्ट करते हैं आपके वायर से, एंड वहाँ पे उसका सर्किल कंप्लीट करने के लिए हम यूज कर देते हैं सॉल्ट टेबल्स, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होती हैं मेरे, ठीक है, और इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती हैं, और दूसरा मेरा वहीं पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। कंडीशन ये होती है हमेशा कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो नेचर है, उसका जो मेटल है, ठीक है, वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी तो मेरा सेल वर्क करेगा, ठीक है। अगर मेटल, मान लो मेरा इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड जिस मेटल की है ना, जिस मेटल की, सेम मेटल की इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी उसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में सेम मेटल का होना चाहिए, सेम मेटल सॉल्यूशन होना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक तरह से कह सकते हो आप सॉल्ट होता है, तो वो भी सेम मेटल सॉल्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ? कैसे, एग्जांपल के यस ऊपर सर, बताता हूँ। अगर मेरा मेटल क्या है, इलेक्ट्रोड मेटल कॉपर का है, तो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, CuSO4, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ZnSO4 का डाल दूँ या मैं FeSO4 का डाल दूँ, तो वहां पे फिर वो आपका सेल वर्क नहीं करेगा, ठीक है, वो काम नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? यही चीजें। ऐसे ही मानो अगर मेरा इलेक्ट्रोड किसी का भी है, अगर जिंक का है, अगर आयरन का है, किसी का भी इलेक्ट्रोड है, तो जो मेरा इलेक्ट्रोड मेटल है, ठीक है, उस हाफ सेल की बात कर रहा हूँ मैं, दो अलग अलग, क्या एक इलेक्ट्रोड आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, एक रिडक्शन हाफ सेल होता है, ठीक है। कंप्लीट सेल जब हम आगे देखेंगे, उस पर्टिकुलर हाफ सेल का, उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में ये दोनों के दोनों हमारे होने चाहिए सेम, ठीक है। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जिंक का है, तो वही जो जिंक के इलेक्ट्रोड किसमें डूबा रहना चाहिए, आपके ZnSO4 सॉल्ट, ठीक है। अगर आयरन का इलेक्ट्रोड है, तो वहां वो जो इलेक्ट्रोड है, वो किस सॉल्यूशन, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन FeSO4 का होना चाहिए। मतलब की बात यहाँ पे ये है कि ये जो मेटल है, ये दोनों के दोनों आपके सेम होने चाहिए, तभी मेरा सेल वर्क करेगा। क्लियर हो गया? ऐसा का जब जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हो, ठीक है, और वहां पे जो पोटेंशियल है मेरा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट के बराबर होती हो, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है मेरा, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसका कंसंट्रेशन होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वहां पे आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 मोलर। ये जो कंडीशन आपकी होती है, तो डेनियल सेल क्या है बोला जाता है, आपका गैल्वेनिक सेल। पहले तो मेरा क्या है, जिंक एंड कॉपर के आपकी इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, ऐसा डेनियल सेल जिसकी आपकी इलेक्ट्रोड किसकी हो, जिंक की हो और कॉपर की हो, ठीक है। और एक्सटर्नल जो आपका वोल्टेज होगा, वो कितना होना चाहिए आपका, इसका सॉरी वोल्टेज कितना होना चाहिए, 1.1 वोल्ट। और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, Zn पॉजिटिव हो या Cu पॉजिटिव, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन 1 मोलर, और 1 मोलर कंसंट्रेशन मतलब यूनिटी बोलते हैं। तो इस तरह का सेल का जो कंडीशन होगी, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे गैल्वेनिक सेल, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा गैल्वेनिक सेल। क्लियर हो गया? गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं, ये है, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रोड। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, यहाँ इस केस में आप याद रखना, एक होता है एनोड और एक होता है, नो क्या कैथोड, ठीक है, दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो राइट हैंड साइड, अब एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये बात आपको याद रखनी है। एनोड जो होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो है पूरा सेल है, और इसके दो इंडिविजुअल जहाँ पे मेरा ये पूरा सिस्टम प्लेस है, तो सर यहाँ पे ये एनोड है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये क्या है, ये है मेरा मेटल इलेक्ट्रोड,
तो जिस मेटल का मेरा इलेक्ट्रोड होगा उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी सेम मेटल का ही होना चाहिए। ये रही बात, सेम चीज जिस मेटल का यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा उसी के मेटल का आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जहाँ पे मैं अभी कर्सर आपको घुमा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है ये है अपना सॉल्ट ब्रिज, और एक मैंने लगा दिया वायर, तो वायर से क्या होगा आपका सर्किट होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? यस सर। तो एक चीज आपको याद यहाँ पे ये रखनी है कि एक है आपका एनोड ऑफ ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। तो इसको बोलोगे आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये आपका होगा आपका रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, हाफ सेल है, इसको मैंने क्या बोला, हाफ सेल। और ये भी मेरा क्या है, हाफ सेल। इसको और बेटर इस तरीके से बोलना, ये दोनों ही मेरे हैं हाफ सेल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये है मेरा रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। इसी को हम रॉक्स का पल्ली बोलते हैं। यहाँ पे हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है मेरा रिडक्शन, इसको मैंने क्या बोला, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये है मेरा एनोड, ठीक है। ये क्या है मेरा, एनोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये है मेरा कैथोड, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे मेटल फिक्स है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं, हम डेनियल सेल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड किस मेटल का, ये फिक्स है। तो ये किस मेटल का होता है बेटा, ये होता है आपको याद रखना है जिंक का, ठीक है। किस मेटल का होता है ये होता है आपके जिंक का, ठीक है। और ये किस मेटल का होता है, ये होता है आपका कॉपर। ये किसका होता है, ये होता है आपके कॉपर, ठीक है। क्लियर? और ये है मेरा, ये भी है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये बीच में जो ये बना हुआ है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बेटा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये होता है, एक तो ये आयन प्रोवाइड करता है, दूसरा ये सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक सर्किट कंप्लीट करने में एक तो हेल्प करता है, सम टाइम इट प्रोवाइड आयन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये आपका आयन भी प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वायर लगा दिया, तो वायर पे क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा अपने आप। जैसे ही आप देखोगे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा और आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। अब ये चीज क्या है, मेरा एनोड, और ये क्या है, कैथोड। अब आपको ये चीज याद रखनी है, इसकी ट्रिक बता देता हूँ। एनोड पे क्या होता है, फिक्स कर लो दोबारा, मैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है मेरा, रिडक्शन। क्लियर हुआ? यस सर। तो मैं रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैं ये कह सकता हूँ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड यस प्रेजेंट सर। है, और ये क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये मेरा रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, गेन ऑफ क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप रहती है। इस पूरे को बोलोगे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये मेरा हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हाफ सेल क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे अभी डिप्ड रहती है, तो इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, थोड़े एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। तो ये वाली मेरी है आपकी एनोड, और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। डेनियल सेल में एनोड किसकी बनी हुई है, जिंक की, क्लियर है। और कैथोड किसकी बनी हुई है, कॉपर की। अब मैंने कैथोड पे क्या बोला, रिडक्शन होता है, और बना किसका है, कॉपर का। तो ये मेरा रिडक्शन हुआ, तो क्लियर हो गया ये कि ये कॉपर जो डाई पॉजिटिव आयन है ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जिंक मेटल है ये आपका जिंक प्लस टू आयन में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है एनोड पे। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है आपके कैथोड पे। क्लियर हो गई बात? और ये किस पर डिप्ड है, आपके सेम मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। यहाँ तक बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। अब क्या है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस पे सेल्फ टेंडेंसी होती है अपने आप, कि मेटल आयन जो है वो आपके किस में आ जाते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं,
मेटल आयन मेरे कहा जाएंगे या तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो मेरे मेटल आयन है वो किस पे आ जाएंगे, वो आपके इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेरे मेटल आयन होंगे वो आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रोड पे, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट जो आपके आयन होंगे वो चले जाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आयन जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, जिंक डाइपोल। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये यहाँ पे आ जिंक डाइपोल। ठीक है, अब ये आ गया तो मेरा इलेक्ट्रॉन बचा, क्लियर है, ये मेरा इलेक्ट्रोड पे। अब क्या हो गया कि ये आपकी टेंडेंसी है अपने आप इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस पे कि मेटल आयन मेरे सॉल्यूशन में आ गए। ठीक है, मेटल आयन कहाँ पे आ रहे हैं आपके, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या बचा, इलेक्ट्रॉन बचा, इलेक्ट्रॉन बचा यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। बोलो क्लियर हुआ यहाँ पे कि नहीं हुआ, यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्यों नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्लियर हो गया? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम इधर की बात कर लेते हैं। ये मेरा कहाँ पे है, ये आपका चल रहा है इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। यहाँ पे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, तो ये कॉपर आयन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये कॉपर प्लस टू आयन इसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो कॉपर प्लस टू आयन क्या करेंगे, कॉपर प्लस टू आयन है कुछ यहाँ, कॉपर प्लस टू आयन है, कॉपर प्लस टू आयन, वो कॉपर प्लस टू आयन यहाँ पे आए, इस पे आ जाएंगे। तो जब इस पे आ जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पॉजिटिव आयन यहाँ पे आए हैं, तो मैं कह दूंगा इस इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, एनोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, कैथोड पे पॉजिटिव चार् ज डेवलप हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो सीधी चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पे जो एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो क्लियर हुई बात? अब इन दोनों पे आपका डिफरेंस है। यस सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आपका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो आपको दिया रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक या इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द कॉपर आयन। ठीक है, इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखो, अब देखो यहाँ से मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो एनोड है, और मैंने आपसे क्या बोला था, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये किस साइड है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने एक ट्रिक बना ली, इस ट्रिक को ढंग से समझना, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। एच एस लिख दूं शॉर्ट में, समझ में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और किस पे हो रहा है, वो एनोड पे हो रहा है, और एनोड का क्या है, एनोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज में। ये है किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, LOAN, तो इससे आपको अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि ये बार बार आएगा। तो बोलो ये चीज क्लियर हुई? लोन याद रखोगे तो लोन से लेफ्ट हैंड साइड, O से मेरा ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिफरेंस रिस्पेक्ट में, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। तो जैसे ही हम क्या करेंगे कि आपका स्विच ऑन पोजिशन करेंगे, वायर जोड़ेंगे, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द करंट, यू नो, और आपको ये भी पता होगी करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के। यस सर। यस सर, पता है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बताया होगा ये चीज। यस सर। यस सर। और ये मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, आपका एनोड से कैथोड में हो रहा है, ये पूरा आपका गैप डैनियल सेल पर। ठीक है, तो यहां तक ये चीजें क्लियर हुई। तो अब आप क्या करोगे, अब आगे आता है आपका, एक आता है सेल रिएक्शन और एक आता है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अब वो मुझे कैसे इतना है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो आपको सिंपथी, देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये मैंने बोला जिंक, और जिंक का ये हो गया आपका डाई पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Yes, sir. पोटेंशियल डेवलप होगा, इसको मैं बोल दूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये मेरा क्या डेवलप हो रहा है,
यहाँ पे यह कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आप मेरा रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे मेरा रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको मैं बोल दूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ये चीज। उसको चाहो तो एनसीईआरटी से देख लेना, भी पूरा लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है ना ये तो? यस सर। अब एक चीज है कि आईयूपीएससी ने ये माना है कि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को हम कंसिडर करेंगे एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, तो इसका यूज हम आगे आएगा तब बताएंगे, बस ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, और S का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या हो गया मेरा, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जब मेरा इलेक्ट्रोड आपका जिंक का है, एनोड जिंक का है और कैथोड कॉपर का है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, कंसंट्रेशन यूनिटी है, तो उस सेल को हम बोलते हैं कि गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब इस चीज को आप ढंग से देखोगे, अब ये एनोड पे मेरा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो मैंने इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो गया मेरा SOP, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ हो रहा है ये, कैथोड एनोड पे हुआ है तो मैं इसको एनोड भी लिख सकता हूँ, या ऐसे भी लिख सकता हूँ ई नॉट ZN से ZN डाइपोल, ये है, ठीक है। तो ये कितना होता है मेरा, ये होता है, इसको समझ लो इस तरीके से, वो आगे जब आपका आएगा ना सीक्वेशन तब ये लिखा रहेगा, ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या एनोड पे हो रहा है ई कैथोड माइनस ई एनोड आएगा, इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसी को अगर मैं बदल दूंगा तो ये हो जाएगा रिडक्शन, ये मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, ये मैंने कर दिया आपको ई नोट जेड एन डाई पॉजिटिव और जेड एन, ये मेरा रिडक्शन हो रहा है, बोलो क्लियर है? यस सर। इसको यहाँ से अभी तो हाल फिलहाल देख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है मेरी 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये है मेरी वैल्यू क्या, 0.76 वोल्ट, और उसके बाद जो है आपका ये क्या है मेरा, ये हो रहा है रिडक्शन, तो ये मैं बोल दूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कैथोड पे मेरा रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ई रिडक्शन, या वो कहाँ हो रहा है, कैथोड पे ई कैथोड, या उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ Cu डाई पॉजिटिव से Cu, ये रिडक्शन, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके कितनी आएगी, 0.3, ठीक है, प्लस 0.34, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल, ठीक है। अब एक चीज और बताई थी मैंने आपको, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन क्या है, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन है आपका कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, वो किसके बराबर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर, ना कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी है, अगर मेरे को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है और रिडक्शन दिया है तो आपको जस्ट अपोजिट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा लो अच्छे से, कैसे, अभी वो मैं बता देता हूँ, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है उसका रिडक्शन निकालना है तो जस्ट अपोजिट करना है, अब इसको समझना है। मैं आपसे बोलूं कि ये क्या हुआ मेरा, जिंक का ZN डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.764, ठीक है। अब मुझे निकालनी है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल, तो सिंपल क्या करोगे, इसका आप अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट कितना आएगा, E नॉट इज इक्वल टू जेड एन डाई पॉजिटिव प्लस जेड एन इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, ये चीज है, तो ये आ गया मेरा रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये प्लस 0.76 था, ये माइनस 0.76,
इसका मैं अपोजिट कर दूं तो रिडक्शन हो जाएगा, है? Yes, इसका sir. यही, इसका यही मैं अपोजिट कर दूं तो रिडक्शन हो जाएगा. Yes, sir. तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, क्लियर हुआ यहाँ पे? बताओ. जब मेरे दोनों के दोनों, मेरे क्या कहते हैं, ई एनोड भी आता है और मेरा, मैंने बोला कि मेरा ई कैथोड भी आता है, ठीक है? इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे एनोड में क्या हो रहा था, ये हो रहा था मेरा जेड एंड डाइपॉजिटेड प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये हुआ ऑक्सीडेशन. और गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था मेरा आपका रिडक्शन, ठीक है? तो ये अब यहाँ पे हमें क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन रखना है, इसलिए मैं क्या रखूंगा, -0.76 रखूंगा, ठीक है? और यहाँ मैं क्या रखूंगा, यहाँ रखूंगा मैं +0.34 वोल्ट, ये वैल्यू, ठीक है? ये चीज, अब ये चीज यहाँ तक आ गई. इसके बाद आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ठीक है? वो देख, अब इन दोनों के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे अब हमें पूरे सेल का जब तो फोर्स निकालना है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, या फिर आप बोलोगे ई नॉट ऑफ सेल लिखा हुआ आता है. तो ई नॉट सेल क्या होता है, सिंपल चीज, या तो आएगा आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है? या कभी कभी आपका लिखा आ जाएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पीछे देख लेना. ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड भी लिख सकते हैं. ये क्या हुआ, ये मेरे पूरे सेल का आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? वो आया था, वो किसका आया था, वो इंडिविजुअल हाफ सेल का आया था. ये आया था मेरा एनोड का, जहाँ पे जिंक जा रहा था आपका मेटल रोड से आयन में, यहाँ पे सॉल्यूशन से जा रहा था आपका मेटल रोड में, ठीक है? तो ये किसका आया था, मेरा इंडिविजुअल हाफ सेल का, और ये मेरा पूरे सेल का है, ठीक है? तो इसी को मैं कभी कभी क्या बोल देता हूँ, ईएमएफ ऑफ द सेल. क्लियर हुआ? Yes, sir. अब हमें क्या करना, अब इसको तुम पुट कर दोगे, पुट करके ई नोड सेल की वैल्यू निकाल सकते हो. बहुत सिंपल है, सिंपल आपको मल्टीप्ल, सिंपल आपको एडिशन करना है. तो मुझे अगर मानो आपका इन ई सेल ऑफ द गैल्वेनिक है ना, ई नोट सेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल का निकाल, मेरे को ई नोट सेल निकालना है, ठीक है? करोगे सिंपल चीज, ई नोट सेल करो और यहाँ पे तुम्हें ई नो ई कैथोड माइनस ई एनोड इसकी वैल्यू दे रखी, ये पुट करो तो निकल आएगा ई कैथोड कितना है मेरा, +0.34 वोल्ट, ठीक है? और ये माइनस है और यहाँ पे ये माइनस रखोगे तो -0.76 वोल्ट हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.1 वोल्ट हो जाएगा. क्लियर हुआ कैसे निकला? यस सर. ये मैंने आपको बोला था कि गैल्वेनिक सेल में ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 1.1 वोल्ट होती. किस तरह के 7.1 वोल्ट आई है, क्लियर हो गया? यस सर. अब ये नेक्स्ट इक्वेशन में अपन और डिटेल में देखेंगे कि ये आपका कौन सा यहाँ पे रखना है, कौन सा आगे रखना है, कैसे क्या, वो चीज अपन देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इक्वेशन उसके बाद आता है आपका. अब तुम सेल रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे लिखेंगे, एक होता है मेरा सेल रिएक्शन और दूसरा आपका होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो सेल रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूँ. सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन सिंपल तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है. यहाँ पे ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मेरा सेल रिएक्शन आ जाएगा. कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं राइट, सेल रिएक्शन. तो जेड एन डाई पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, अपोजिट साइड की सिमिलर क्वांटिटी हमेशा कैंसिल हो जाती है, ये बात पता होगी, थर्मोडायनेमिक्स में भी बताई थी. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मेरे कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ये इस साइड है और ये इस साइड है, ये कैंसिल हो जाएंगे. तो मेरा कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, कंप्लीट रिएक्शन मेरा जो बनेगा वो यहाँ पे ये बनेगा Zn plus Cu डाई पॉजिटिव विल गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu. अब तुम दोनों एलिमेंट्स को देख के पता कर सकते हो किसका रिडक्शन हो रहा है या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जिंक है
और राइट हैंड साइड पे देख लो एरो के जिंक पॉजिटिव है, तो जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, तो अगर सेल रिएक्शन भी दे रखी होगी तो इसको देख के भी तुम बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? यस सर। होगा वो किससे आएगा, ऑक्सीडेशन होगा वो कौन से इलेक्ट्रोड पे आएगा, एनोड पे आएगा कि कैथोड पे आएगा? और एनोड का मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड LOAN, ये मैंने ट्रिक बताई ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें ऑक्सीडेशन को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, वो ट्रिक इसी लिए काम आएगी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, LOAN लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो वो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, तो वो जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तब आपके वो काम आएगी और तब आपको लिखना होगा वो लेफ्ट हैंड साइड ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ? अब कंसंट्रेशन है देखो अब क्या हो, हाँ अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो मेरा किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो वहां पे एक्वस स्टेट में है ना, उसको हम एक्वस लिखेंगे, एक्वस स्टेट में तभी मेरे आयंस वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रोड है वो प्योर मेटल है तो उसको मैं सॉलिड स्टेट में लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको स्टेट भी पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये तो हुआ आपका क्या, सेल रिएक्शन, और अब हम देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें क्या करना है, सिंपल चीज बीच में बनाना है डबल, इस तरह से आप बोलोगे ये हॉरिजॉन्टल बार, सॉरी वर्टिकल बार बनाना है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मेरा सॉल्ट ब्रिज ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को। अब इसके राइट हैंड साइड आपके क्या लिखनी है, इसके राइट हैंड साइड जो आपका रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे वो लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हमेशा क्या लिखना है, जो आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए मैं सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख सकता हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, ठीक है थोड़ा सा यार ये दिखने में हो जाता है सॉरी। ऑक्सीडेशन मेरा कैसे हो रहा था, ये हो रहा था ठीक है, तो इसका हमें स्पेशली फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना है, और बीच में आएगा आपका सिंगल वर्टिकल लाइन, तो मैंने लिखा जिंक और उसके बाद मैंने लिखा सॉलिड, तो मेरी एक लाइन आई, फिर मैंने लिखा जिंक डाई पॉजिटिव एक्वस ये लाइन आई, फिर बीच में मैंने दो लाइन खींची, फिर मैंने लिखा कॉपर डाई पॉजिटिव, फिर मैंने लिखा एक्वस ये लाइन आई, फिर मेरी ये सिंगल लाइन आई, फिर मैंने लिखा कॉपर और ये लिखा सॉलिड। इस तरीके से आपका ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपको लिखा। क्लियर हुआ बोलो? यस सर।